झांसी उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ से 300 किलोमीटर दूर स्थित है। 1535 वर्ग किलोमीटर में फैले 42 लाख की सघन आबादी वाला पौराणिक महाजनपद काशी, जिसे आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है। उर्दू और भोजपुरी शब्दों के आपसी घालमेल से वाराणसी एक लंबे समय तक बनारस के नाम से जाना गया, जिसे पुनः मई 1956 में आधिकारिक रूप से वाराणसी में परिवर्तित किया गया। इसे मात्र प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत की धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। उत्तर प्रदेश पर्यटन के दृष्टिकोण से आगरा में ताजमहल के बाद सबसे अधिक विदेशी पर्यटक यहाँ के प्रसिद्ध घाट एवं सारनाथ के बौद्ध स्तूपों को ही देखने के लिए आते हैं। यहाँ की प्राचीन भाषा रही है संस्कृत, जबकि बोलचाल की आम भाषा है भोजपुरी एवं हिंदी। वाराणसी पौराणिक काल से ही हिंदुओं की धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता रहा, लेकिन समय समय पर बौद्ध, जैन, मुस्लिम आदि धर्म के लोगों ने भी यहाँ पर अपना गहरा प्रभाव डाला। वर्तमान में वाराणसी जनपद 3 तहसीलों में बटा हुआ है, वाराणसी, राजा तालाब एवं पिंडरा। समय के साथ पुराना बनारस अब आधुनिक वाराणसी बनता जा रहा है, जिसकी शुरुआत होती है दुनिया के लिए आवागमन के मार्गों को सुगम बनाने से। हवाई अड्डा शहर के उत्तर पश्चिम में 26 किलोमीटर दूर पिंडरा तहसील के बाबतपुर नामक जगह पर स्थित है 1985 में स्थापित वाराणसी एयरपोर्ट। अक्टूबर 2005 में इसका नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। एयर इंडिया, एलायंस एयर, बुद्धा एयर, गो एयर, इंडिगो, मलिंडो एयर, स्पाइस जेट, थाई एयर एशिया, थाई स्माइल एवं विस्तारा जैसी 10 हवाई कंपनियां यहां पर अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। काठमांडू, बैंकॉक, क्वालालंपुर, दुबई, शारजाह जैसे विदेशी शहरों के साथ ही भारत में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, भुवनेश्वर, जयपुर, आगरा, लखनऊ, गया, गोवा, अहमदाबाद, खजुराहो, देहरादून, गुवाहाटी के लिए सीधे उड़ानें उपलब्ध हैं। वाराणसी रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल, इलाहाबाद जंक्शन एवं लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के बाद 9 प्लेटफॉर्म एवं आने जाने वाली कुल 210 रेलगाड़ियों को मिलाकर यह प्रदेश का चौथा एवं सबसे व्यस्त विशाल रेलवे स्टेशन है। जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मऊ, गाजीपुर, मुगलसराय से आने वाले रेल मार्ग से आपस में जुड़कर वाराणसी को एक विशाल जंक्शन का रूप देते हैं। कुल 38 ट्रेनें यहां से बनकर अलग अलग शहरों के लिए प्रस्थान करती हैं। ट्रेन 18 के अलावा दिल्ली के लिए 80, मुंबई के लिए 28, कोलकाता के लिए 46, चेन्नई के लिए 60 ट्रेनें उपलब्ध होने से महानगरों से आवागमन सुलभ है। आने जाने को मिलाकर 4 अंत्योदय, 5 डेमू, 125 एक्सप्रेस, दिल्ली में आनंद विहार टर्मिनल तक जाने वाली एक गरीब रथ, 6 हम सफर, 2 जन शताब्दी, 5 मेमू, 10 पैसेंजर, 4 राजधानी एक्सप्रेस, 46 सुपरफास्ट और वाराणसी से नई दिल्ली तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 रेलगाड़ियां यात्रा को सुगम बनाती हैं। यहां से होकर प्रतिदिन 67 ट्रेनें अपने गंतव्य की ओर जाती हैं। जनपद के भीतर वाराणसी जंक्शन को मिलाकर कुल 20 छोटे बड़े स्टेशन स्थानीय लोगों को वाराणसी शहर से जोड़ते हैं। प्रयागराज की ओर जाने वाले मार्ग पर मंडुआडी, भूलनपुर, हरदत्तपुर, राजा तालाब, बहेड़वा हाल्ट और निगतपुर को मिलाकर कुल 6 छोटे एवं ग्रामीण स्टेशन हैं। वाराणसी से भदोही, प्रतापगढ़, रायबरेली होते हुए लखनऊ जाने वाले रेलवे मार्ग पर लोहता, चौखंडी, सेवापुरी 3 स्टेशन मौजूद हैं। जौनपुर, सुल्तानपुर की ओर शिवपुर, बीरापट्टी, बाबतपुर, पिंडरा रोड, खालिसपुर 5 ग्रामीण स्टेशन इसे बनारस शहर से जोड़ते हैं। मऊ, गाजीपुर एवं आजमगढ़ की ओर वाराणसी सिटी, सारनाथ, गादीपुर, रजवारी, ये 4 स्टेशन जनपद वासियों के लिए यात्रा को सुगम बनाते हैं। वाराणसी से मुगलसराय अर्थात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की ओर जाने वाले मार्ग पर मात्र 1 स्टेशन जनपद की सीमा क्षेत्र में स्थित है, काशी। सड़क मार्ग पर्यटन के दृष्टिकोण से बनारस को सड़क यातायात के लिए सुगम बनाने हेतु कई राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी को अन्य शहरों से जोड़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पश्चिम की ओर वाराणसी को कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं जौनपुर से जोड़ता है, जबकि पूरब की तरफ गाजीपुर, बक्सर, आरा, छपरा एवं पटना आदि शहरों से यातायात को सुगम बनाता है। नेशनल हाईवे 28 उत्तर की ओर आजमगढ़, टांडा और बस्ती जिलों को वाराणसी शहर से जोड़ता है। NH-19, NH-2 या AH-1 के नाम से प्रसिद्ध दिल्ली से कोलकाता जाने वाला राजमार्ग भी वाराणसी शहर की ओर आवागमन को तीव्र, सुरक्षित एवं रोमांचक बनाता है। साथ ही 2 महानगरों से सीधा जुड़ने के कारण व्यापार में विस्तार एवं सामान को लाने ले जाने में अधिक सुविधा होती है। गंगा जलमार्ग प्राचीन काल में वाराणसी तक आने जाने के लिए गंगा के जलमार्ग का प्रयोग किया जाता था। आज भी बहुत सारे लोग कोलकाता से नौकाओं के द्वारा
12 दिनों की यात्रा तय करके वाराणसी गंगेटिक फेरी लाइन पर आगे बढ़ते हुए काशी के भव्य घाटों के अद्भुत दृश्य को परम रोमांच के साथ अनुभव करते हैं। बनारस के घाट। वाराणसी अपने घाटों में मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटक यहाँ बनारस की सुबह और नाव की सवारी करने के लिए बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन ये मात्र इस शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि गंगा के विकराल रूप से स्वयं को बचाने के लिए इन्हें बांध के रूप में विकसित किया गया था। संपूर्ण भारत के अलग अलग प्रांतों के राजाओं ने समय समय पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए यहाँ पर घाटों के साथ ही अनेक मंदिरों का भी निर्माण कराया। बनारस के घाट शिक्षा एवं व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। सूर्योदय के समय यहाँ पर वेद, पुराण, उपनिषद एवं संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए गुरुकुल की पाठशालाएं लगा करती थी। दोपहर से लेकर शाम तक यही घाट स्थानीय एवं गंगा नदी में यात्रा करते हुए सुदूर प्रांतों से आने वाले व्यापारियों के लिए मलमल, रेशमी कपड़े, चंदन, इत्र, हाथी दांत एवं शिल्प कला के क्रय विक्रय का प्रमुख केंद्र बन जाते थे। रामनगर किला। गंगा नदी के उस पार रामनगर नामक जगह पर स्थित है बनारस का ऐतिहासिक किला। 18वीं शताब्दी में काशी एक स्वतंत्र राज्य था। तब काशी नरेश राजा बलवंत सिंह ने चुनार से लाए गए बलुआ पत्थरों से मुगल शैली में इस किले का भव्य निर्माण करवाया। किले के भीतर बनवाए गए संग्रहालय में बनारस के राजाओं की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित किया गया है। आज भी रामनगर किले के भीतर काशी के महाराजा का निवास स्थान है। वाराणसी के लोगों में अभी भी इनके प्रति उतना ही मान सम्मान और प्रेम है जितना कभी इनके पूर्वजों के लिए हुआ करता था। शहर में होने वाले सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियों में इनका अभिन्न योगदान रहता है। जो भी पर्यटक वाराणसी घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं, काशी के इतिहास को समझने और उसका अध्ययन करने के लिए इस किले का भ्रमण करना आवश्यक हो जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर। दशाश्वमेध घाट से कुछ दूरी पर गुडोलिया लक्षा मार्ग पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ वाराणसी का सबसे अधिक व्यस्त एवं प्रसिद्ध मंदिर है। वर्तमान मंदिर का निर्माण सन 1780 में अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था। 1853 में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा दान किए गए 1000 किलो सोने से इसके गुंबदों को अलंकृत किया गया। कहा जाता है कि इस मंदिर की नींव राजा हरिश्चंद्र द्वारा हजारों वर्ष पूर्व रखी गई थी। इसे कई बार ध्वस्त किया गया, लेकिन समय समय पर कई राजाओं ने इसके पौराणिक महत्व के कारण इसका पुनर्निर्माण करवाया। आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद एवं गोस्वामी तुलसीदास जैसे महापुरुष भी इस मंदिर में दर्शनों के लिए आए थे। नया विश्वनाथ मंदिर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर स्थित है वाराणसी का नया विश्वनाथ मंदिर। मार्च 1931 में इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 30 सालों में जाकर ये मंदिर अपने वर्तमान स्वरूप में बनकर तैयार हो पाया। ये काशी विश्वनाथ मंदिर का ही एक प्रतिरूप है। औरंगजेब द्वारा पुराने काशी विश्वनाथ को ध्वस्त किए जाने पर सभी धर्म के लोगों के लिए इस नए मंदिर की संकल्पना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भी थे। तुलसीमानस मंदिर। इस मंदिर के संपूर्ण दीवार पर रामचरितमानस लिखा गया है। दीवारों पर रामायण के प्रसिद्ध चित्रण को बहुत सुंदर ढंग से नक्काशी किया गया है। इसकी दूसरी मंजिल पर संत तुलसीदास जी विराजमान हैं। साथ ही इसी मंजिल पर स्वचलित श्री राम एवं कृष्ण लीला होती है। इसके अलावा दुर्गा कुंड मंदिर, बाबा काल भैरव मंदिर, मृत्युंजय महादेव मंदिर, संकट मोचन मंदिर, मार्कंडेय महादेव मंदिर, माँ अन्नपूर्णा, भारत माता मंदिर भी दर्शनार्थियों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। सारनाथ। वाराणसी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर स्थित है बौद्ध धर्म के 4 तीर्थस्थलों में से एक सारनाथ। यहाँ बौद्ध एवं जैन धर्म को मानने वाले लोग देश विदेश से बड़ी संख्या में आते हैं। प्रमाणित इतिहास के आधार पर 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में जन्मे सिद्धार्थ गौतम ने अपने बीवी, बच्चे एवं राजपाट त्यागने के बाद बिहार में स्थित बोध गया में कठिन साधना एवं अनुभव से प्राप्त ज्ञान का प्रसार करने के लिए अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था और गौतम बुद्ध के नाम से पूरे संसार में विख्यात हुए। सारनाथ में भ्रमण योग्य कई स्थान हैं। चौखंडी स्तूप। इस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। स्तूप के ऊपर 8 भुजाओं वाला एक गुंबद बना हुआ है, जिसके उत्तरी दरवाजे पर पड़े हुए पत्थर पर फारसी में एक लेख से यह ज्ञात होता है कि टोडरमल के पुत्र गोवर्धन ने सन 1589 ईस्वी में बनवाया था। लेख में वर्णित है हुमायूं ने इस स्थान पर एक रात व्यतीत किया था, जिसके यादगार में इस बुर्ज का निर्माण संभव हुआ। 1836 में अलेक्जेंडर कनिंघम में 1905 में ओरटेल के द्वारा इस स्तूप की खुदाई से यह पता चला कि गुप्त काल में इसका निर्माण हो चुका था। धमेक स्तूप। इसकी नींव अशोक के समय में रखी गई थी। इसका विस्तार कुषाण काल में हुआ, लेकिन गुप्त काल में ये पूर्णतः तैयार हो गया था। ये साक्ष्य पत्थरों की सजावट और उन पर गुप्त लिपि में अंकित चिन्हों से निश्चित होता है।
इस स्थान पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म चक्र प्रारंभ किया था, इसलिए इस जगह को धमेक स्तूप के नाम से जाना जाता है। इस स्तूप को 6 बार बड़ा किया गया था, इसके बावजूद भी इसका ऊपरी हिस्सा अधूरा ही रहा। इसकी कुल ऊंचाई 43.6 मीटर है तथा व्यास 28 मीटर। इसके निर्माण में पत्थर और ईंट दोनों का ही प्रयोग हुआ है। मूल गंध कुटीबिहार। श्रीलंकाई बौद्ध संत श्री अंगारिक धर्मपाल ने सारनाथ के लगभग सभी बौद्ध स्थलों को पुनर्जीवित किया और भारत में महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की। 1931 में इस संस्था ने मूल गंध कुटीबिहार की पुण्य स्मृति में नई मूल गंध कुटीबिहार मंदिर का निर्माण किया, जिसके खंडहर पुरातत्व विभाग के खुदाई स्थल में संरक्षित किए गए हैं। पहले धर्मोपदेश प्रचार करने की मुद्रा में भगवान बुद्ध की स्वर्णिम प्रतिमा की यहाँ पूजा की जाती है। धर्मराज का स्तूप। प्रारंभ में इस स्तूप का व्यास 13.4 मीटर था। बाद के समय में 6 बार इसके स्वरूप में परिवर्तन किया गया, जिसमें इसके चारों ओर का परिक्रमा पथ और चारों दिशाओं से इसकी छत पर जाने वाली सीढ़ियां प्रमुख थी। 1794 में बनारस के राजा चेत सिंह के एक दीवान जगत सिंह ने इस इमारत में लगी ईंटों का निर्माण सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए इसे तोड़वा दिया। इसके अलावा अशोक स्तंभ, चाइनीज टेम्पल, जापानीज टेम्पल, दिगंबर जैन मंदिर, थाई मंदिर, गोल्डन टेम्पल, जम्बूद्वीप लंका बुद्ध विहार, तिब्बती बौद्ध विहार, सिंगपुरी दिगंबर जैन मंदिर, धर्मपाल स्मारक, कंबोडियन मठ, विशाल बुद्ध प्रतिमा, संग्रहालय आदि स्थान दर्शनीय एवं भ्रमण योग्य हैं। शिक्षा। एक महत्वपूर्ण धार्मिक शहर होने के साथ साथ वाराणसी शिक्षा और संस्कृत का भी मुख्य केंद्र है। शहर का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। इसके अलावा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतियन स्टडीज और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भी विदेशों से लोग अध्ययन के लिए आते हैं। आशा है आपको बनारस के ऊपर ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। कम समय में अधिक से अधिक जानकारी को समेटने का मैंने पूरा प्रयास किया है, किंतु फिर भी ऐसा आभास हो रहा है जैसे बहुत सारी चीज़ों को मैंने जल्दबाजी में निपटाया है और अभी भी बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन भविष्य में बनारस के ऊपर विस्तार से वीडियो बनाने का प्रयास जारी रखूंगा, जिसके लिए आप लोगों का सहयोग अति आवश्यक है। जो छूट गया है उसके बारे में नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे किसी विषय पर वीडियो बनाने की आंतरिक प्रेरणा मिलती है। तो भविष्य में आप इस वीडियो को अपना कितना प्यार देते हैं, यही मुझे बनारस के ऊपर एक नए दृष्टिकोण से वीडियो बनाने के लिए रोमांचित करेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो इससे पहले कि आप किसी दूसरे वीडियो को देखना शुरू करें, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जब आप जुड़ते रहते हैं तो यात्रा को विस्तार देने में अलग ही आनंद आता है। हमेशा की तरह मैं हूं आपका PK सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रतापगढ़। जय शिव, जय काशी।